क्लास एट। अब आप लोगों ने एसएसटी के अंतर्गत में ज्योग्राफी का एक लेसन पढ़ा था, आज हम हिस्ट्री का पढ़ाएंगे। इस तरह से एक लेसन ज्योग्राफी, एक लेसन हिस्ट्री और एक लेसन सिविक्स, यानी कि ये आपके टेस्ट की तैयारी के लिए है। ज्योग्राफी का लेसन हम कल या आज भेज देंगे, आपको क्वेश्चन आंसर लिखे होंगे। लेकिन आज हिस्ट्री में देखते हैं हाउ हैंग एंड हियर। हिस्ट्री तो जानते हैं आप, इसे कहते हैं सिक्स क्लास में पढ़ी, सेवेंथ में पढ़ी, जो हमारे एनिशेंट टाइम गुजरा हुआ समय होता है उस समय को हम याद करते हैं तो वो इतिहास कहलाता है। इस इतिहास में कैसे, कब और कहां ये चीज घटना दी गई है इस चैप्टर के अंदर, हाउ व्हेन एंड वेयर। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं द टर्म मॉडर्न बाज ऑरिजिनली यूज फॉर द पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री दैट स्टार्टेड विद द कॉलम्स ऑफ मेडिवल फेंडल सिस्टम। मीन्स क्या दिया है, जो आधुनिक टर्म है, जो इस समय का युग चल रहा है, वो ओरिजिनली पूर्ण रूप से सामान्य इस्तेमाल किया गया है अपनी यूरोपियन यूरोप के यानी समय, और ये स्टार्ट किया गया था जो कोलैप्स हो गए मेडिवल फेंडल सिस्टम के द्वारा, यानी कि समाप्त हो चुके थे, फिर उसके बाद दोबारा पुनर्वृत्ति हुई। तो दोबारा जब हुआ तो हम उसके बारे में विचार कर रहे हैं। जैसे कि एंड द ऑक्योरेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये हमारी इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक क्रांति के, रिवोल्यूशन मीन्स क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति के लिए आया है। एंड अमेरिकन बाग और अमेरिका का जो युद्ध हुआ था दो वर्ल्ड वार में, जिसमें अमेरिका ने एक एटम बम फेंक दिया था हिरोशिमा एंड नागासाकी में, जो आज भी उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहां पर कह रहा है अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1783, यानी अमेरिका के युद्ध के में स्वतंत्रता प्राप्त करना 1783 ईस्वी में, वह चीज हमारे पास है। हाउएवर द ब्रिटिश हिस्टोरियन जेम्स मिलियन डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश इन दिस बुक, यानी ब्रिटिश का एक ऐतिहासिक था जेम्स मिल, इसने इंडियन हिस्ट्री और अमेरिकन हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, इनको बांट दिया अलग अलग ग्रुपों में, जिसमें क्या बताया उसने, इंडियन हिस्ट्री में हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। ब्रिटिश मींस अंग्रेज शासक था, मुस्लिम तो मुसलमान जानते हैं आप, और हिंदू के प्रति होता ही, तो इनमें इसको डिवाइड किया किसके, एक ग्रुप के द्वारा। तो दिस हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817, यह इतिहास हमारा 1817 ईस्वी में ब्रिटिश और इंडियन हिस्ट्री के रूप में जाना गया। इंडियन हिस्ट्री में आप देखते ताजमहल देख के आए, लाल किला देख के आए, जिसमें राजा की अकबर, शाहजहां और अन्य राजाओं के नाम सुने हैं,
ये सब इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत है। आप ब्रिटिश जब आए हमारे यहां इंग्लैंड, अंग्रेज शासक जिसमें आपने लॉर्ड डलहौजी इनके नाम सुने होंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमारी इंडियन और ब्रिटिश हिस्ट्री में बदलाव हुआ। वी कंटिन्यूस टू एसोसिएटिव हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। यह डेट के अनुसार मतलब दिन प्रतिदिन एक निश्चित हमारी तारीख नहीं मानी गई। द सेट ऑफ डेट्स आर रिलीवेंट टू कंपेयर द पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स फॉर एग्जाम्पल इन द हिस्टीरियन रिटिन बाई ब्रिटिश हिस्टीरियन इन इंडिया। देखो जो मैंने अभी बात कही थी वो इसमें आ गई कि जो हमारा रिटिन किया गया लिखा गया है अंग्रेज शासक के द्वारा और उसने हिंदुस्तान शासक के बारे में लिखा, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब क्या कहता है, द रूल ऑफ द ईच गवर्नमेंट, प्रत्येक सरकार का अपना अपना एक शासन रहा। जनरल वाज इंपोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण साधन थी किसके लिए, जो हमारे पास है गवर्नर जनरल बैरियन हेस्टिंग, जो आ गया अंग्रेज शासक का जो गवर्नर जनरल बना वो बैरियन हेस्टिंग एंड एंडेड विद द लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जो आखिरी वायसराय बना लॉर्ड माउंटबेटन से पहले हमारा विलियम हेस्टिंग ने स्टार्ट किया और लॉर्ड माउंटबेटन तक शासन चला। ये हमारी हिंदुस्तान में इफ यू चेंज, यदि आप बदलते हैं द सेट ऑफ डेट्स यू नीड्स नॉट कंपेयर ए करेक्ट इवेंट एंड ए बाउंड चेंज योर फोकस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिंगलिंग इंसुलर। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनको हमें जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिसकी जो है सेंटेंस में जो मेन पार्ट्स है मेन इंपॉर्टेंट है उस चीज को पहले समझिए। अब इसके अंदर इसका कोई मतलब नहीं था ये बदलाव हुआ, द सेट ऑफ डेट्स यू नीड टू कौन क्या कंपेयर करा हमने, तुलना की करेक्ट इवेंट में जो नई नई खोज हुई एंड ए गुड चेंज और जो बदलाव हुए योर फोकस, तुमने उस पर फोकस डाला यानी उस पर ध्यान दिया एंड कंसेप्शन ऑफ सिंगल इश्यू, यानी कि जो एक इकलौता इशू बना क्या चीज का, फूट डालो राज्य करो। ये तो आपको अंग्रेज शासक यहां पर आई तो वो इसी नीति से आई, हिंदू शासक हिंदुस्तान में एक राजा से दूसरे राजाओं को लड़वाया उन्होंने और लड़वाकर अपना यहां पर उनकी सेनाओं को नष्ट किया, उसकी ताकत को नष्ट किया, फिर अपनी सेना उस पर लगा। तो इस तरह से बहुत शासक हुआ, नहीं तो हमारा हिंदुस्तान ये तो आप जानते सोने की चिड़िया था, इसमें दूध की नदियां बहती थी, कहा जाता था इतना खुशहाल था, पैसा भी सबसे ज्यादा था। तो क्या था, यही एक रीजन रहा कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज्य, वो ये इशू बनाया। नाउ वी टर्न अवर डिस्कशन टू वर्ड मेडिवल पीरियड। अब मेडिवल पीरियड क्या है, किसे कहते हैं मेडिवल पीरियड, कहते हैं मध्यकालीन युग, एनिशियंट पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, यानी कि मेडिवल पीरियड बिटवीन एनिशियंट पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का समय जो आया वो मध्यकालीन आया। और ये मध्यकालीन की बात चल रही है, ये इस समय चल रहा हमारा मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री में। अब पिछला जो निकल गया अर्ली मैन के जमाने में और उससे यानी कि हमारे ईसा मसीह के जमाने में वो हमारा एनिशेंट में था, और जो मध्यकालीन ये हमारा राजा महा
लॉकडाउन के कारण था। तो वो कह रहा है अब हम मेडिकल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस पीरियड इज डिस्क्राइबेड एज ए पीरियड, यह समय वह समय था कि वेयर द फ्यूचर ऑफ मॉडर्न साइंस सोसाइटी, जिसमें हमारे आधुनिक समाज का निर्माण किया गया, डिड नॉट एक्सिस्ट, जिसको हम से बता नहीं सकते हैं। इट वॉज द पीरियड वेयर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी फ्रीडम ऑफ लाइबरिटी, नॉर देयर वॉज द साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। आ गया, इन्होंने ये दिया है कि जो फ्रीडम थी, स्वतंत्रता थी, लाइबरिटी थी हमारी, वह साइन वह हमें संकेत करती है हमारी आर्थिक स्थिति को ग्रोथ करने की, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जब ही होगा जब हम संपूर्ण रूप से अपना डेवलपमेंट करें, विकास करें, तब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। एंड प्रोग्रेस और उन्नति तभी हो। मेनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज देयरफॉर रेफर टू द पीरियड ऑफ कॉलोनीज, यानी उन्होंने बहुत सी इंडस्ट्रियों को तोड़ तोड़ कर अपने ही निर्माण किया। इसमें एक अंग्रेजी कंपनी आई थी, वो आप जानते होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी सबसे पहले। ब्रिटिश कम टू द कॉन्कर इंडिया, जब आ गया अंग्रेजों ने भारत पर विजय प्राप्त की, एंड स्टेबलाइज देयर रूल ऑफ ए सबजगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजास। उन्होंने क्या किया, जो लोकल जिस देश की, जैसे अपने मेहनती का एक राजा था, उसका नाम आप जानते हैं तेग बहादुर सिंह, ऐसे ही हर जगह के राजा महाराजा थे, उन पर उन्होंने दबाव बनाया, जो शक्तिशाली थे तो उनको एक दूसरे से लड़वाया और विजय प्राप्त हो गई। तो देयर स्टेबलाइज्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, उसने क्या किया, फिर सब पर अपना अधिकार जमाया, किसकी, हमारी आर्थिक स्थितियों पर, आर्थिक नीतियों पर और सामाजिक नीतियों पर दबाव बनाया, पेशा डाला और अपना राज किया। अब कहता है कलेक्टेड रिवेन्यू, और देखिए उसकी बदले क्या किया, जो हमारा टैक्स लगता था उसको अपने अंडर में किया, और टू मीट ऑल देयर एक्सपेंस, और खर्च के नाम से सब कुछ नहीं, सब बंद। बाउट गुड्स ऑफ लॉ प्राइसेस, हमारी चीजों को सस्ते कीमत में खरीदी और अपनी चीजों को महंगी दी, एंड सोल्ड देम ए हाई प्राइसेस। तो आ गया, यानी कि हमारे देश की चीजों को उन्होंने लो प्राइस पर खरीदा और अपनी जो चीजें वस्तुएं आई उसको हाई प्राइस पर बेच दी। ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट ए वैल्यू एंड ए टेस्ट कस्टम्स एंड ए पार्ट प्रैक्टिस। इस प्रकार से ब्रिटिश शासन हमारा आगे बढ़ता था और ये कमाई धंधे बने। अब हाउ हो गया, कैसे, अब कहता वेन। अब वेन में क्या है, देखो वेन सब्जेक्शंस ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड टू द चेंज ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल चेंज, दिस एंड दिस रेफर टू द कॉलोनिज्म। अब कॉलोनिज्म इसे कहा गया है संगठन बनाना, तो उसमें यही है कि हमारे जो देश के अंदर दूसरी परिवर्तन जो लाए पॉलिटिकल में, राजनीतिक में, इकोनॉमिक आर्थिक दशाओं में, सोशल एंड कल्चरल चेंज और सामाजिक और दूसरी कल्चर सांस्कृतिक दशाओं में,
In 1600, a group of English traders founded the English East India Company. जो आ गया EEIC, East India Company का पूरा नाम है English East India Company. E for English, E for East, I for India, C for Company. अब after a long स्ट्रगल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी पहले तो उसने बहुत संघर्ष किया, क्योंकि हमारे यहां बहुत चीजें इन्होंने डेवलपमेंट की, लेकिन उनकी चीजों किसी ने खरीदा नहीं. अब क्या किया उन्होंने, हमारी चीजों को रोकना शुरू कर दिया और अपने अंदर रख दी और उसी चीज को स्टॉक करके बेचना फिर शुरू किया. सक्सेस इन स्टेबलाइजिंग इट्स मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड्स. इस प्रकार से हमारे यानी मोनोपोली भारतीय ट्रेड यानी भारतीय व्यापार के अंतर्गत बदलाव होने लगे. आफ्टर स्टेबलाइजिंग इट्स मोनोपोली ओवर फॉरेन ट्रेड द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्यूपाइड बंगाल इन 1757. कहता गया सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी 1757 में कलकत्ता में बन लगाई गई. कलकत्ता मीन्स बंगाल में जो आजकल है. तो वहां पे इनको पदार्पण किया. विनिंग इट द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने ऐसा किया था. दिस ऑक्यूपेशन इंटेंड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. इवेंचुअली इंडिया बिकम ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. यानी कि उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन किया भारत पर और धीरे धीरे उन्होंने ग्रुप बना लिया ब्रिटिश राज का. द Explosions, political administration and economic policy of the East India Company lead to the economic explosion of the people. इस प्रकार से भारतीय लोगों का विखंडन करने लगी और धीरे धीरे अपने ही वर्चस्व को बनाते रहे. अब आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रेडर्स इन टू द मास्टर्स. ट्रांसफॉर्मेशन किया, इधर से उधर निर्यात किया, अपनी चीजों को यहां भेजा और कॉस्टली कीमत में और हमारी चीजों को आयात करके सस्ती चीजों. टूवर्ड्स देख रहे हैं, टूवर्ड द क्लोज ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी में द ब्रिटिश ट्रांसफर देयर पॉलिटिशियन फ्रॉम बीइंग मेरली ट्रेडर्स एंड मास्टर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. भारत के जो भी सब कॉन्टिनेंट हुए उसमें इन चीजों को उन्होंने देखा. ऑफ अब कहता है इन्होंने क्या किया, एक्विजिशंस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज पोजीशंस इन इंडिया इंडिकेट द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कलेक्ट टैक्स. बात हमने कही वो अब आ गई. पार्टिकुलरली लैंड्स रिवेन्यू, जबकि भूमि पर टैक्स लगाया गया, जमीन पर द मेजर फाइनेंशियल रिसोर्सेस और हमारी जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस आई उनको उन्होंने दबाया. द इम्प्लीमेशंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ रियलाइजिंग द रिवेन्यू थ्रू द एजेंसी एवर्टेड एडवर्स इफेक्ट टू द फार्मर ऑफ लैंड. किसानों को कर्ज दिया और कर्ज के रूप में उन्होंने फसलों को अपने अंदर में किया. यही चीज दिया है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश एज द ट्रेडर इन टू द रूल्स लीड टू देयर इन्फ्लुएंस
ग्रो वाइडर एंड मोर एंड परमानेंट। धीरे धीरे ये स्थायी रूप से होते चले गए और विकास करते रहे। दे बिल्ट इम्पोजिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग डिस्टिंक्ट ब्रिटिश कैरेक्टर, और उन्होंने एक अपना अंग्रेज शासक का एक ग्रुप तैयार कर लिया। अब दिया है ने द बंगलाउस फॉर एग्जाम्पल बाय डिजाइन हाउस द ब्रिटिश एफर्ट्स, बड़े बड़े बंगले बनाने लगे। द क्लब बार सोशल सेंटर वेयर गेम्स क्लब बनाए, यहां पर गेम्स खेलते थे। एंड एम्यूजमेंट डिसाइड द रिक्रिएशन एक्टिविटीज, और अपनी जो भी एक्टिविटी प्रक्रियाएं उनको करते थे। वेयर कंडक्ट फॉर द ब्रिटिश ऑफिसर्स, अब हमारे शासन बने। एंड देयर बीट्स मोस्ट ऑफ दीज क्लब वर द एक्सक्लूसिव एंड द इंडियन वर नॉट एडमिटेड। भारत के अनुसार इन्होंने अपना अपना शासन बनाया और दूसरे पर राज करते रहे। तो ऐसे ही नेटवर्क चलता रहा। इसी दौरान उन्होंने रेलवे का भी नेटवर्क देखा। ये नेटवर्क ऑफ रूट्स एंड रेलवे यूनिफाइटेड थ्रू द कंट्री ऑफ द इंटरेस्टिंग इवन फॉर फ्लंग एरियाज। उन्होंने क्या किया, सड़कों का, रेल यातायात का अपना एक नेटवर्क बनाकर अपना विकास करने लगे। तो इसके जो दो पॉइंट थे, अब आप उसको पढ़ें और फिर कल देखेंगे द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूरोप एंड इन्फ्लुएंस क्या क्या था भारत के दूसरे प्रभावों के क्षेत्र में।